वैसे हंसाने के लिए पौवा समझा जाता था। आप लोग सो गए लगता है, मैं सत्ता से आया हूं सर, वैसे हंसाने के लिए मुझे पौवा समझा जाता है। तो जाग रहे हैं, जाग रहे हैं ना, अविनाश भैया तो पौवा साथ ही है, अब हमारा भी सुन लिया कि जेठा मोहब्बत के बीमारी लगे, जेठा मोहब्बत के बीमारी लगाए ओहो का तुई बच्चन में महतारी कुमारी लगाए। भैया जी को देख के शेर याद आ गया, वाह कीजिएगा, सो रहे क्या दवाना भैया कि जिंदगी के नए अध्याय खुले हैं, पांव मंदिर की ओर बढ़ गए हैं, जिंदगी के नए अध्याय खुले गए हैं, पांव मंदिर की ओर बढ़ गए हैं। सर को जरा गौर से देखिए, आपकी ये बाल झड़ गए हैं। अरे मेरे प्यारे रांझना, अरे मेरे प्यारे रांझना, क्या है पाटा रास्ता में माझना। अच्छा सर सर एक बार क्या हुआ, हमारे पापा जी आए, बोले उत्तम मैं तुम्हारे लिए लड़की देख के आया हूँ, वो रूपवती है, ज्ञानवती है, गुणवती है, मानवती है। मैंने कहा बाबूजी हम जिससे प्यार करते हैं वो गर्भवती है। अच्छा ये शराबी सर, शराबी शराबियों की बात, एक शराबी बोलता है जुड़ की घटा की कसम खाता हूँ रखी, जुल्फ की घटा की कसम खाता हो रखी, छह महीने बाद बाहर आया मुझे कट दस। सामी बड़े नसर होते हैं, सामी बन गया पीते पीते, बोलता है रोक दो मेरे जनाजे को मुझे जान आ रही है, रोक दो मेरे जनाजे को मुझे जान आ रही है, आगे से थोड़ा टाइम ले लेना दारू की दुकान में। सर एक बात क्या हुआ, बोल रहा है सफेद साड़ी पहन के लाल जूते लगाई, बोली कैसे लग रही हो, तो शायद बोलते हैं तुम जो सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगाती हो, कि तुम जो सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती है। अभी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ नाना पटेकर, मैं उसको थोड़ा सुनाने जा रहा हूँ। नाना पटेकर जी का अच्छा लगे तो प्यार दीजिएगा। तो क्यों किया, इतने में फिर से नाना पटेकर जाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सभी लोगों को सुन लीजिए, अब तू भी बेटियों के साथ गलत काम करेगा उसे जाएगा तुम्हारी तरह लटका दिया जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार सर, एक साहब सर बोलते हैं, न चांद होते न तारे होते, इतने विशेष सवाल, एक तू न होता ते सारे न होते। दोस्तों मैं उत्तम गेवा, मैं कभी कभी लोगों को चेहरे पे गुस्सा ले देता हूँ सर, इतने बहुत खुशी मिलती है। अविनाश सर ने हमें यहाँ बुलाया, मैं सपना का था, बहुत प्यार मिला, हमारे संजय गुप्ता जी ने हमें इतना प्यार दिया कि बहुत अच्छा मिला। और सर आज चिंता कहना होंगी कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, ये बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसे नदियों झीलों में मत बांटिए, नदियों झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।